टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर होगा। 29 का ए, हेयर इज एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल दिस टाइप, यहां पर और यहां पर एक पॉइंट है पी क्यू, इन पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से टेंजेंट्स डाली गई हैं, एंड दिस पॉइंट इज यहां पे सेंटर है इसका। आप थोड़ा केयरफुली बनाएंगे इसको, सो ये वाला एंगल है हमारा ओ पी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के ट्वाइस के इक्वल है। टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, पी टी क्यू जो है वो इस एंगल का दो गुना है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इन एंगल्स को नाम देता हूं। दिस इज एंगल वन, दिस एंगल इज टू, एंड दिस एंगल इज थ्री। अब हमें पता है कि जो टी पी और टी क्यू है वो इक्वल होंगे, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये टी पी और टी क्यू दोनों इक्वल हैं तो एंगल टू एंगल थ्री के बराबर होगा, क्योंकि ये टी पी क्यू क्या बन जाएगा, हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। और जब हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये और ये बराबर हैं, तो टू किसके बराबर होगा, हमारा थ्री के बराबर होगा। आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अब यहां से एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री जो है वो 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल थ्री की जगह हम एंगल टू लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टू, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने रिलेट कर दिया। अगर मैं बात करूं इस पूरे, इसको मान लो एंगल फोर, पूरे एंगल की, एंगल ओ पी टी यानी कि इस वाले एंगल की, तो ये क्या है, 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ये रेडियस है और रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो लाइन ड्रा करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, बिकॉज पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ अब एंगल 4 और एंगल 2 में हमने ये रिलेशन निकाल लिया, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल 4, इस एंगल 2 को यहां फर्स्ट में रख दो, 90 डिग्री माइनस एंगल 4, यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, सो यहां से आ रहा है एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और एंगल 1 क्या है हमारा, पी टी क्यू है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 क्या है, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। आप चेक कर लें, जो रिजल्ट हमें लेके आना था वो हम लेके आ गए हैं। सो ये बेसिक अप्रोच हमने फॉलो की, पहले इन दोनों साइडों को क्या किया, इक्वल किया, फिर इन दोनों में रिलेशन निकाला
और फिर इस रिलेशन को यहाँ रख के हमने अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है।